आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। बीते साल 14 फरवरी को ही देश ने 40 सीआरपीएफ जवानों को खो दिया था। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को सीआरपीएफ ने श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ के जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम उस दिन को भूले नहीं हैं और ना ही छोड़ा है। शहीदों की याद में लेटपुरा कैंप में स्मारक बनाया गया है, जिसके उद्घाटन आज किया गया है। सीआरपीएफ ने ट्वीट किया कि तुम्हारे शौर्य के गीत ककरश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं। ट्वीट में आगे लिखा गया कि हम अपने उन भाइयों को सलाम करते हैं जिन्होंने पुलवामा में राष्ट्र की सेवा के दौरान अपने प्राण का बलिदान दिया। हमने अभी तक उसे भुलाया नहीं है। हम अपने बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं। इन शहीदों की याद में लेटपुरा कैंप में बनाए गए स्मारक में उन शहीद जवानों के नामों के साथ ही उनकी तस्वीरें भी होंगी। महाराष्ट्र के उमेश यादव ने यहां पर कलश सौंपा है, जिसमें सभी 40 जवानों के घर की मिट्टी है। अब इस कलश को इसी स्मारक में रखा जाएगा। साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ध्येय वाक्य सेवा और निष्ठा भी इस स्मारक पर लिखा होगा। सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने इसका दौरा करने के बाद कहा कि यह उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने का तरीका है जिन्होंने हमले में अपनी जान गंवाई। सीआरपीएफ ने पिछले साल भी कुछ इस तरह का ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा था, हम भूलेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं, पुलवामा में शहीद हुए जवानों को हम सलाम करते हैं और उनके परिवारों के साथ हैं। समाचार एक्सप्रेस भी पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।